हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लाई हूँ ये खट्टे की अचार की रेसिपी, जिसे गलगल भी कहते हैं। ये बड़ी नींबू की तरह होते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पर कढ़ाई रख दी है और उसमें डाल दिया है सरसों का तेल, करीब हाफ कप तेल होगा ये। और ये अचार बना रही हैं मेरी मदर इन लॉ यानी कि सासू माँ जी। और देखिए, उन्होंने तेल में डाल दिए है हींग और मीडियम फ्लेम पे ये बना रहे हैं। और बस थोड़ी सी हींग पक जाए तो यहाँ उन्होंने डालने हैं 100 ग्राम मेथी दाना। अब आप ये सोचेंगे कि डायरेक्ट ये सारा सामान डाल रहे हैं, तो यहाँ जा रहा है नमक और करीब 250 ग्राम नमक जा रहा है। तो जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, उनका एक्सपीरियंस ही इतना होता है, उनके हाथ नापा तुला होता है, वो आँखों से ही मेजर कर लेते हैं, तो उन्हें किसी मेजरिंग कप या चम्मच की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेथी दाना हल्का सा भून लिया है उन्होंने और साथ में डाल दिया है नमक। और अब लो फ्लेम पे ये इसे पका रहे हैं। यहाँ इन्होंने डाल दिया है कटे हुए गलगल यानी कि खट्टे। ये बड़े नींबू की तरह दिखते हैं और इनका भी सीज़न होता है। तो इस साल मैं जब हिमाचल गई थी तो इनका सीज़न था, तो मम्मी ने कहा चलो तुम्हें ये अचार सिखाती हूँ। तो 3 किलो करीब गलगल थे, जिसमें थोड़े से इन्होंने तेल में डाल दिए। और अब ये डाल रहे हैं साबित लाल मिर्च। और मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी आपने पहले मिर्च का तड़का क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा मिर्च अगर उड़ेगी तो खांसी आएगी, इसलिए इस तरह से डालो तो खांसी नहीं आती। तो ये भी एक टिप है। और बची हुई गलगल इन्होंने डाल दी। शुरू में आपने देखा सारी गलगल मैंने काट के रखी थी। और बस ये तड़का दे के ही अचार बन जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसका और बहुत प्यार से मेरी सासू माँ बनाती हैं इसे। तो यहाँ देखिए वो बरामदे में बैठ के बना रही हैं, कितना डेडिकेशन से, ये उनकी स्पेशलिटी है। और यहाँ मैं उनसे कह रही थी कि मम्मी ज़रा स्माइल कीजिए और मेरी तरफ़ देखिए, तो वो मेरी तरफ़ देख के स्माइल कर रही थी। बहुत क्यूट हैं और बहुत हेल्पफुल हैं और हमेशा कहती हैं कि आपको मेरे हाथ का अचार मैं बना हुआ खिलाती हूँ, तो इस बार आप सीख लो और अपने व्यूवर्स को सिखा भी दो। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, यानी कि 2 से 3 टेबलस्पून हल्दी डाली है और धीरे धीरे इसे मिक्स कर रही हैं। तो देखिए ये अचार बहुत ही जल्दी बन जाता है इस तरह से कढ़ाई में तड़का देके इसे बनाते हैं। और ये सीजनल होते हैं, इसे गलगल कहते हैं, खट्टा कहते हैं। और इस वक्त इनका सीज़न था हिमाचल में, जैसे आम किसी साल लगते हैं किसी साल नहीं लगते, उसी तरह ये भी कभी कभी अवेलेबल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने डाल दी है देगी मिर्च, करीब 100 ग्राम है। आई बॉल करके ही वो सारी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे थे और अब इसे भी धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए धीरे धीरे वो मिक्स कर रहे हैं, फ्लेम बिल्कुल लो है इस वक्त। और ये बहुत ही टेस्टी अचार बनाते हैं मम्मी, सबको उनके हाथ का अचार बहुत पसंद है। तो देखिए हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, कुछ इस तरह से वो धीरे धीरे इस अचार को मिक्स कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि ज़्यादा मिक्स नहीं करते, हल्के हाथों से मिक्स करते हैं, नहीं तो ये जो पीसेस हैं ये पूरी तरह से गल जाएंगे और अचार कड़वा भी हो सकता है। तो देखिए उन्होंने मिक्स कर लिया है। और इस अचार की एक खासियत है कि इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं जाता। तो बस ये तैयार है। अब इन्होंने कहा कि इसे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसी तरह से रख देंगे और इसे ठंडा करेंगे और इसे एक परात में निकाल लेंगे। तो देखिए बिल्कुल ही तैयार है और बहुत ही बढ़िया रंग आया है। और यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी बनता है। तो अगर आपको कहीं गलगल मिले या खट्टे मिले तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लग रहा है ना बढ़िया। तो यहाँ उन्होंने इसे एक परात में निकाल लिया था और बिल्कुल ठंडा कर लिया था। और ठंडा होने के बाद इसमें वो डाल रहे हैं सोडियम बेंजोइड। तो ये करीब 1 से 2 टीस्पून है। सोडियम बेंजोइड जो है एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है और बिल्कुल झटपट वाला अचार तैयार है। बस समझिए ये खाने के लिए तैयार है। तो इस तरह से इन्होंने इसे मिला लिया और बाद में कहा ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे स्टोर करके रख लेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।